मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मोदी जी का सपना था कि किसानों की आय दुगनी करने का 2022 तक हमारी सरकार ने 2021 में ही पूरा कर दिया है, जो कि किसान चना मसूर और सरसों की फसल मई और जून में बेचता था वह सरकार गेहूं से पहले MSP पर खरीद रही है। वहीं पहले चना मसूर सरसों की बाद में खरीदी होने से मंडी में ज्यादा बढ़ोतरी हो जाने के कारण बिचौलिया रेट कम कर दामों में किसानों से खरीदा करते थे, किसानों का मुनाफा बिचौलिए ले जाते थे। अब सरकार चना मसूर की फसल गेहूं से पहले खरीद रही है, जिससे किसान कर्जदार होने से भी बच रहा है और किसानों की आय दुगनी हो रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी है, वो पहले किसान है, बाद में मुख्यमंत्री है। मैं भी पहले किसान हूँ, बाद में कृषि मंत्री हूँ। हमारी सरकार किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, और इसलिए हमने गांव, गरीब और किसान को प्राथमिकता दी है और उनका दिल जीता है, विश्वास जीता, और इसलिए हमारी सरकार इतने प्रचंड बहुमत से जीती है, बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है 2022 तक किसान की आय दोगुना करने का, उसमें मध्य प्रदेश देश में नंबर एक स्थान पर आ गया है। क्यों? हमने 2021 में ही माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प को पूरा कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमने चना सरसों मसूर, जो गेहूँ से पहले आती रबी की फसल, चना असिंचित भी होता है, फरवरी में आ जाता है लेकिन खरीदा जाता था मई जून में, सरसों मसूर भी मई जून में, और इसलिए किसान 86% यानी 86% किसान सीमांत और लघु किसान है, यानी 5 एकड़ से कम है, उसकी क्षमता नहीं होती कि वो 2-3 महीने रोक सके, इसलिए जैसे ही फसल आती है वैसे ही मंडी में जाती है। मंडी में चूँकि व्यापारी की क्षमता से ज़्यादा माल आ जाता है जितनी खरीदने, तो वो भाव डाउन करता है, और इसलिए किसान को ओने पौने भाव मिलते थे जब फसल आती है, और उसके कारण किसान की लागत भी नहीं निकलती, कर्ज में आता है, मरता है, वो खेती घाटे का धंधा होती थी। मोदी जी ने किसान की खेती लाभकारी धंधा बनाने के लिए, दो गुना आय करने के लिए 22 का लक्ष्य रखा है। लेकिन हमने जो नीति में परिवर्तन किया कि पिछले साल जैसे ही मैं कृषि मंत्री बना, मुझे पता लगा कि 25 ही क्विंटल चना सरसों मसूर खरीदते हैं, और ये मनमोहन सिंह के समय का ऑर्डर निकला हुआ था, उसको मैंने भारत सरकार से चेंज करवाया। माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूँ, नरेंद्र सिंह जी को, और मैंने भारत सरकार के सेक्रेटरी से भी बात की और उसके बाद हटाया। कमलनाथ जी 19 क्विंटल छिंदवाड़ा में खरीदते थे चना, और बाकी प्रदेश में 15, सरसों 13 ही क्विंटल खरीदते थे जबकि होती 20-20 क्विंटल से ऊपर, और इसलिए मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने 20-20 क्विंटल किया, सीमा हटाई, उसके कारण समर्थन मूल्य पर माल आने लगा, तो व्यापारियों को माल नहीं मिला, व्यापारियों को माल नहीं मिला तो उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ, और उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ तो उद्योग बंद होने की कगार पर आए, तो उद्योगपतियों को मजबूरी में व्यापारियों को रेट बढ़ाने पड़े और समर्थन मूल्य से ऊपर बिकवाने में हम पिछली बार सफल हुए, जहां सरसों औसत 3,000 थोक बिक रही थी वो 4500 से 5600 बिकवाई, और इस बार हमने 15 मार्च से गेहूं के पहले 15 मार्च से चना सरसों मसूर की खरीदी का निर्णय लिया है। हमने अभी कल शिवराज सिंह जन्मदिन था मुख्यमंत्री जी का, तब तक हमने उपहार में किसानों के 5 दिन और बढ़ाया, और इससे किसानों का पंजीयन हो गया 1 फरवरी से, और उसका फायदा क्या हुआ, जो सरसों पिछले बार चना 3,3200 औसत बिक रहा था वो इस बार 5,000 से ऊपर हो गया, और मोदी जी ने किसान की आय दोगुना करने के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, किसान की फसल की लागत का 50% लाभ जोड़कर उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP घोषित किए समर्थन मूल्य, उसके कारण भी समर्थन मूल्य बढ़ा, चने का पिछली बार 4875 था इस बार 5100 हो गया, मसूर का भी 5100 हो गया, सरसों का 4425 था वो 4650 हो गया, यानी 225 बढ़े। कांग्रेस के राज में 2 रुपये 5 रुपये भी नहीं बढ़ते थे, लेकिन यहाँ 225 रुपये बढ़ रहे हैं, उसके कारण किसान को एक तो समर्थन मूल्य, दूसरा हमने खरीदी पहले करी, तो जो 86% किसान आधी कीमत में बेच देता था, घाटा खाता था, और इसलिए वो कर्ज में आता था और जीवन भर कर्ज में रहता था, अब नहीं रहेगा, अब पूरा किसान 100% समर्थन मूल्य पर खरीदी करेगा मिलेगी, और समर्थन मूल्य पर खरीदी मिलने के कारण व्यापारियों को माल नहीं मिलने की संभावना होगी, और इसलिए व्यापारियों ने रेट बढ़ा दिए। मांग और पूर्ति में हमेशा कहता हूँ, मांग ज़्यादा है पूर्ति कम है तो रेट बढ़ेंगे, अब चूंकि मांग ज़्यादा हो गई पूर्ति कम है, क्योंकि मंडी में माल ही नहीं जा रहा है, समर्थन मूल्य पर आएगा, और इसलिए जहाँ 4650 रुपये सरसों का रेट है, इस समय बाजार में मंडी में 5600 बिक रही है सरसों, यानी समर्थन मूल्य से 1000 रुपये ऊपर। मध्य प्रदेश में 80 लाख मेट्रिक टन चना सरसों मसूर होने की संभावना है, यानी 8 करोड़ क्विंटल, अभी औसत 2000 रुपये क्विंटल चना और सरसों के रेट ज़्यादा है, और इसलिए 16000 करोड़ मिनिमम
और मैक्सिमम 24-25 हज़ार करोड़ किसान की जेब में ज़्यादा आएगा, पहली बार आजाद भारत में जो व्यापारी और उद्योगपति बिचौलियों की जेब में जाता था। यह है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने किसान की आय दोगुना 2021 में कर दी है और प्रधानमंत्री का सपना और संकल्प हमने 21 में पूरा कर दिया है 2022 के पहले। ये देश का पहला राज्य और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, मैं भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का आभार व्यक्त करता हूँ और प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो संकल्प रखा उसको हमने पूरा किया है। दूसरा, I'm not gonna lie.